नमस्कार साथियों साथियों आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मिथुन राशि वालों के लिए जून 2022 कैसा रहेगा आज इस वीडियो में बताएंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले निवेदन है, विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। साथियों मिथुन राशि का स्वामी बुध है और तत्व जो है वो वायु है, साथ ही साथ सेवा भाव और लोगों का भला सोचना एक प्रकार से इनकी प्रकृति है और इनका स्वभाव है। जीवन में बहुत तरक्की करते हैं लेकिन जितनी तरक्की करते हैं असफलताएं भी कभी कभी इनके हाथ जबरदस्त लगा करती हैं, और असफलताएं ऐसे नहीं, कभी कभी तो ये जीवन में बहुत टॉप पर जाकर एकदम से खाली आते हैं। लेकिन जून माह 2022 में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दसवें भाव में बैठे हुए मीन राशि के गुरु जब पंचम दृष्टि से धन स्थान को यानी द्वितीय भाव को देखेंगे तो जबरदस्त धन लाभ के योग निर्माण करेंगे, क्योंकि जो तीन ग्रहों का राशि परिवर्तन जून माह में होने वाला है उसमें 15 जून को रवि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और लग्न भाव में बैठे होंगे, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त कराएंगे। 18 जून को शुक्र स्वयं की राशि वृषभ राशि में विराजमान होंगे, लेकिन 12वें भाव में बैठे होंगे बुध के साथ। उसके बाद भी चूंकि कारक हैं, 7वें भाव पंचम 5वें भाव के मालिक हैं, पंचमेश भी हैं, व्यस हैं, जहां एक ओर खर्चे बढ़ेंगे तो आमदनी की भी कमी नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम आपके कार्यों को पूरा होने के लिए होता रहेगा। आर्थिक स्थितियां आएंगी जाएंगी, कमजोर होंगी, लेकिन पैसे का अभाव जून माह में मिथुन राशि वालों को नहीं होगा। वहीं शनि भाग्य में वृद्धि जबरदस्त करेंगे, लेकिन सावधान रहें, तीसरी दृष्टि से आय भाव को देख रहे हैं, इसलिए अतिशय विश्वास अपने पार्टनर पर, अपने करीबी पर, या विश्वास जिसके ऊपर अटूट करते हैं उसकी तरफ से धोखा निर्माण हो सकता है, आय के साधनों पर चोट हो सकती है, विशेष ध्यान रखें। वहीं परिवार में मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, मन को शांत रखें, वाद विवाद बिल्कुल ना करें, परिस्थितियां धीरे से समय गुजरने के बाद सब ठीक हो जाएंगी। जो साधना में है या तैयारी में है, टेक्निकल में है, तंत्र की तैयारी कर रहे हैं, ज्योतिष की तैयारी कर रहे हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी सफलताएं प्राप्त होंगी। हाँ, रोग ऋण शत्रु आपके बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। कर्ज ना लें किसी से और रोग के प्रति सावधान रहें, और शत्रुओं के षड्यंत्र से दूर रहें। सफलता के लिए जीवन में गणपति का पूजन करें और चार मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें, साथ ही साथ बुधवार के दिन गणपति मंदिर जाकर भगवान श्री गणेश का दर्शन करें, कष्टों से बचे रहेंगे, ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बचे रहेंगे, सफलताएं प्राप्त करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।